एक समय की बात है, मनोहर अपनी पत्नी रीमा, बेटे मोनू और बेटी पिंकी के साथ दिल्ली में रहता था। मनोहर की नौकरी काफी अच्छी खासी थी, उसे हर साल गर्मियों में 10 दिन की छुट्टियां भी मिलती थी। मनोहर हर साल उन छुट्टियों में अपने परिवार के साथ कहीं न कहीं घूमने जाया करता था। इस बार भी वो घूमने का प्रोग्राम बनाता है, ट्रेन की 4 टिकट बुक कर देता है। सभी घूमने जाने के लिए बड़े ही खुश होते हैं। रीमा सबका अच्छे से सामान पैक कर देती है। रात की ट्रेन होती है तो टैक्सी लेकर सब लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अजी, अभी तो ट्रेन आई ही नहीं। मैंने बताया तो था ट्रेन 11:30 बजे की है, पर तुमको तो इतनी जल्दी थी कि तुम 10:30 बजे ही जिद करने लगी कि चलो चलो देर हो जाएगी। चलो कोई नहीं, जल्दी आ गए पर लेट तो नहीं हुए ना, हम थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। बस फिर सब लोग स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर बाद वहाँ एक ट्रेन आती है। लो आ गई हमारी ट्रेन, आराम से चढ़ना और बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चों तुम जरा भी उछल कूद मत करना। जी पापा। सब लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उसके बाद वो अपने डिब्बे में पहुंचते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों बच्चे खिड़की वाली सीट पर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको बाहर देखना होता है। पापा ये ट्रेन कब चलेगी? बस बेटा अभी सब लोग ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो ट्रेन चल पड़ेगी। बस तुम दोनों खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना, ठीक है? हाँ मम्मी, हम हाथ बाहर नहीं निकालेंगे, बस दूर से देखेंगे। बस फिर ट्रेन चल पड़ती है। बच्चे बड़े ही खुश होने लगते हैं। रीमा और मनोहर भी बच्चों को देख बड़े खुश हो रहे होते हैं। बच्चे ट्रेन के बाहर देख रहे होते हैं पर रात होती है तो उस वजह से बाहर ठीक से दिख नहीं रहा होता। बच्चों को इतना मजा आ रहा होता है कि वो सोने का नाम ही नहीं ले रहे होते। बच्चों अब काफी देर हो गई है, अब तुम दोनों चुपचाप सो जाओ, जब तुम सुबह उठोगे तो हम पहुंच चुके होंगे, ठीक है? फिर कल हमें बहुत सारा घूमना भी तो है। हाँ बच्चों तुम्हारी मम्मी सही बोल रही है, चलो दोनों अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। मनोहर भी सुबह 8 बजे का अलार्म लगाकर सो जाता है। ट्रेन चलती रहती है और सब मजे से सोते रहते हैं। फिर मनोहर की घड़ी का अलार्म बजता है जिससे मनोहर की आंख खुल जाती है। वो घड़ी देखता है तो उसमें 8 बज चुके होते हैं। मनोहर झांक कर देखता है तो बाहर एकदम अंधेरा होता है और ट्रेन रुकी हुई होती है। मनोहर अपनी पत्नी को उठाता है। रीमा रीमा देखना, सुबह के 8 बज गए हैं पर बाहर अंधेरा है। आपकी घड़ी खराब होगी, किसी और से टाइम पूछो। मनोहर आसपास वालों से पूछता है तो वो भी इसी बात से परेशान होते हैं कि उनकी घड़ी में भी 8 ही बज रहे हैं पर बाहर अंधेरा क्यों है। बड़ी अजीब बात है, क्या सबकी घड़ी थोड़ा खराब हो गई है? चलो भाई जरा बाहर निकलकर पूछते हैं। हाँ भाई साहब चलो चलते हैं। मनोहर और दूसरी सीट पर रमेश नाम का आदमी दोनों बाहर जाते हैं, उनके साथ और लोग भी चल पड़ते हैं। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो ट्रेन एक सुनसान घने जंगल में रुकी होती है और सामने एक बहुत ही बड़ा खंडहर होता है। सब बड़े परेशान होने लगते हैं और ड्राइवर के पास जाते हैं। अरे भाई साहब ये आपने कहाँ ट्रेन रोक दी? कौन सी जगह है ये? आपने यहाँ ट्रेन क्यों रोकी और सुबह के 8 बजे भी यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ट्रेन का ड्राइवर उधर मुंह करके बैठा होता है पर जब वो मनोहर और बाकी लोगों की तरफ अपनी मुंडी घुमाता है तो सबके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एक डरावना भयानक भूत होता है और ड्राइवर की लाश साइड में पड़ी होती है। सब बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं। भूत, इसने तो ड्राइवर को मार डाला। मैंने इसे मार दिया और मैं ये ट्रेन चुरा कर ले आया और मुझसे अब बचकर कोई नहीं भाग पाएगा। तुम सब अब मेरे कब्जे में हो और ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा राज चलता है, इसीलिए यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है क्योंकि मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। क्या ये हम कहाँ फंस गए? हमें जाने दो, तुमने हमें क्यों कैद किया है? हाँ प्लीज प्लीज हमें जाने दो, अंदर हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं। अब कोई भी कहीं नहीं जा सकता, तुम सब अब मेरी दुनिया में कैद रहोगे हमेशा हमेशा के लिए और मेरी गुलामी करोगे।
इतनी देर तक जब ये लोग अंदर नहीं जाते तो बाकी के लोग भी ट्रेन से बाहर आने लगते हैं और धीरे धीरे ट्रेन के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जब सब लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तभी भूत ट्रेन के अंदर से बाहर कूद कर आ जाता है। सब लोग उसे देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं और भागने लगते हैं। भूत भूत! सब लोग शांति रखो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। तू तो बड़ा बहादुर है, पर तेरी बहादुरी किसी काम नहीं आएगी। तू या तेरा परिवार कोई भी मेरी दुनिया से वापस नहीं जा सकता। भूत हंसता हुआ वहां से चला जाता है और सामने वाले खंडहर के अंदर चला जाता है। भूत के जाते ही सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ये क्या मुसीबत में फंस गए हम? ये ट्रेन हमें कौन सी जगह ले आई है? हाय राम, मैं तो भगवान के दर्शन करने जा रही थी, पर यहाँ तो भूत के ही दर्शन करने पड़ रहे हैं। मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। क्या हम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये ट्रेन हमारी दुनिया से इस दुनिया में आ सकती है तो वापस जाने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बस हमें उस रास्ते का पता करना होगा। एक काम करो, सब लोग अलग अलग जगह जाकर यहाँ से निकलने का कोई सुराग ढूंढो। सब लोग हर जगह फैल जाते हैं। कोई जंगल में रास्ता ढूंढता है तो कोई ट्रेन के आसपास, कुछ लोग खंडहर में जाते हैं तो कुछ बाकी जगह। किसी को कोई भी सुराग नहीं दिखता और सब थक हार कर वापस उसी जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं। लोग अपने बचने की उम्मीद खो चुके होते हैं कि तभी भूत अपनी नींद पूरी करके आ जाता है। अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ये बच्चा तो बड़ा सुंदर है, आज मैं इसको खाऊंगा। नहीं नहीं, मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। भूत मोनू का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। रीमा और मनोहर भूत के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। मेरे बच्चे को मत ले जाओ, इसे छोड़ दो। भूत किसी की एक नहीं सुनता और घसीटते हुए मोनू को ले जाता है। दूर आग चल रही होती है जिसके ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई होती है। उस कढ़ाई में गरम तेल उबल रहा होता है। भूत मोनू को वहीं पेड़ से बांध देता है। मोनू बेचारा चीख चिल्ला रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। इधर मनोहर बस कैसे भी वहां से अपने बच्चे को बचाने और वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। कहीं तो कुछ तो सुराग होगा। एक बार फिर से ड्राइवर की सीट पर जाता हूँ। मनोहर वापस ड्राइवर की सीट पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि ड्राइवर की सांसें अभी भी चल रही है। वो ड्राइवर को जल्दी से पानी पिलाता है। भाई, ओ भाई, उठो उठो ना। तुम जिंदा हो। शुक्र है भगवान का, तुम जिंदा हो। वो भूत हमें अपनी दुनिया में ले आया है और अब मेरे बच्चों को पकाकर खाने वाला है। हम सब ने यहाँ से वापस जाने के सारे रास्ते ढूंढ लिए पर हमें कोई रास्ता नहीं दिखा। रास्ता तो सामने है। सामने? कहाँ सामने? वो देखो, सामने जो इतना बड़ा पेड़ है उसमें कैसा अजीब सा गड्ढा है। यही है बाहर जाने का रास्ता। मनोहर फिर लोगों के पास जाता है और चुपके से सबको ट्रेन में जाकर बैठने को कहता है। सब लोग थोड़े थोड़े करके ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और भूत को कुछ शक भी नहीं होता। फिर अब मनोहर अपने बच्चे को बचाने के लिए जाता है। तू फिर आ गया, जाता है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं तो बस अपने बच्चे को आखिरी बार गले लगाने आया हूँ। ठीक है। मनोहर फिर मोनू को गले से लगाता है और उसके कान में धीरे से बोलने लगता है। मैं तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ पर तुम ऐसे ही रहना जैसे तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। मनोहर फिर चुपके से मोनू के हाथ की रस्सी पीछे से खोल देता है पर मोनू हाथ पीछे ही रखता है। उसके बाद मनोहर जाने ही लगता है कि अचानक वो भूत को ही गर्म तेल में धक्का दे देता है। मनोहर और मोनू पूरी तेजी से ट्रेन की तरफ भागते हैं। ड्राइवर ट्रेन चलाने को तैयार होता है। फिर जैसे ही वो दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं, ड्राइवर तेजी से ट्रेन उसी पेड़ में घुसा देता है। उसके बाद एकदम अंधेरा छा जाता है। सब लोग अपनी दुनिया में आ जाते हैं।
और सब लोग इतने खुश होते हैं और मनोहर की बहादुरी के लिए उसे शुक्रिया कहते हैं।